touch the block. Enemy and friend is not an option. We all the same, now we go dance and start. Things I love in my कैसे हो तुम सभी, मैं हूँ आपका दोस्त गेमिंग किंग जियो जियो। तो गाइस आज का ये वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है गाइस, ठीक है, थोड़ा नहीं सॉरी बहुत ज़्यादा हटके होने वाला है गाइस। आज की वीडियो के अंदर गाइस हम लोग ना स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं, ना ही कोई टिप्स एंड ट्रिक के बारे में गाइस। आज की वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं क्लैशिंग अड्डा के बारे में, नहीं सॉरी क्लैशिंग अड्डा के बारे में नहीं, क्लैशिंग अड्डा ने जो बोला है कॉन्सेप्ट के बारे में उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब हम क्या बात करने वाले गाइस वो गाइस मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा गाइस, ठीक है। हाँ गाइस वीडियो को लाइक नहीं कर तो गाइस फटाफट लाइक कर देना, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा गाइस, ठीक है। हाँ गाइस आज का लाइक है मैं कितना रखे यार, चलो गाइस 80 रखते हैं गाइस, ठीक है। उम्मीद गाइस अगर लाइक करोगे तो श्योर कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चलो ना गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप सभी लोगों को पता ही होगा, नहीं सॉरी ये मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, मैं सुमित और अड्डा की वीडियो पूरे देखता हूँ गाइस, ठीक है। आप लोग भी देखा होगा गाइस, आपको आप लोगों को भी बहुत सीखने को मिलेगा। तो गाइस आज उनका एक वीडियो आया था गाइस, ठीक है, उसके अंदर वो अटैक करते करते हमको ये बताया, एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताए थे गाइस, ठीक है। अब वो कॉन्सेप्ट क्या था आप सभी को पता होगा कि जो पूछा है गाइस, ठीक है, या फिर लीजन लीग है उसके अंदर गाइस हम लोगों को टोटल 8 अटैक मिलते हैं गाइस, ठीक है, पर डे के। और हाँ गाइस वो हमको पहले से पता नहीं होता हमको कौन से बेस पर अटैक करना है, लेकिन हमको एक ही आर्मी लेके जानी होती है गाइस, ठीक है, आप सभी को पता ही होगा। तो गाइस उनका कहना ये है कि अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए जो कि गेम चेंजिंग हो सकता है, कि आप सभी को पता होगा कि फ्रेंडली चैनल के अंदर जब हम अटैक करते हैं तो गाइस हमको पहले पूछा जाता है आपको कौन सी आर्मी यूज करनी है, आप लोग अपने आर्मी को चेंज भी कर सकते हो। अगर वैसा फीचर यहाँ पर लीजन लीग के अंदर आ जाएगा तो कितना मजा आएगा गाइस, ठीक है, उनका ये कहना है। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई गाइस तो उनकी बात सुन लो। सो गाइस बात ये है, दरअसल आपको पता ही होगा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था टाउन हॉल 13 के वीडियो में कि चलिए पुश करते हैं, थोड़ा लेजेंड्स की तरफ मूव करते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त वैसे ऑलरेडी लेजेंड्स पे हैं, तो वो लोग मेरे को बोल रहे थे कि ये अटैक चल रहा है, वो अटैक चल रहा है, मतलब ये सारे अटैक्स जो हैं वो काफ़ी फेमस चल रहे हैं लेजेंड में, और ये कुछ कुछ बेसिस हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है लेजेंड लीग्स में। तो एक दिक्कत पता है क्या है, लेजेंड लीग में मैंने पहले बहुत पहले भी ये चीज़ें डिस्कस करी थी, बट ये कुछ नया है, फ्रेश है। वो ये है कि आपको पता होगा गाइस कि लेजेंड लीग कैसे वर्क करता है, आपको दिन के 8 अटैक्स मिलते हैं, आप बेस कीप नहीं कर सकते, जो बेस आपको मिलता है उसी बेस पे आपको अटैक करना होता है, और यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। पता है होता ये है बेसिकली कि आपको पहले से ब्लाइंडली आप ट्रूप ट्रेन करके जाते हो, या आप हाइब्रिड बना लो, आप येटी स्मैश बना लो या लालो बना लो, जो भी बनाओ आप ब्लाइंडली जाते हो, मतलब आपको कुछ नहीं पता होता कि सामने वाला बेस कैसे आएगा, हो सकता है वो रिंग बेस हो और आपका जो ट्रूप है वो रिंग बेस के लायक नहीं हो, या फिर कुछ भी हो सकता है ऐसे प्रॉब्लम्स आपके साथ। तो क्यों ना ऐसा एक अपडेट सुपरसेल डाले गेम में जो कि काफ़ी मज़ेदार होगा, कि जैसे आप फ्रेंडली चैलेंजेस पे आप अपने मन के हिसाब से कोई भी ट्रूप सिलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ लेजेंड लीग में ये फंक्शन दिया जाए, आई थिंक ये गेम चेंजिंग होगा, और ये देना भी चाहिए क्योंकि अभी रिसेंटली मैं देख रहा था काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं सबको ये वाली चीज़ में, कि बेसिस ऐसे आ जा रहे हैं और उन बेसिस को टैकल करने लायक आर्मी रहती नहीं है और अटैक जो है वो फंस जाते हैं। जैसे मैं अब तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा गाइस, ठीक है। अब गाइस आप से एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है गाइस, ठीक है, कौन सी रिक्वेस्ट भाई, मैं आप कुछ भी करके ये वीडियो क्लैशिंग अड्डा भाई तक पहुंचा दो गाइस, ठीक है, यानी कि आप प्लीज वो एक बार मेरा ये वीडियो देख ले, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के अंदर मैं भी कुछ ऐड करना चाहता हूँ गाइस, ठीक है। अब मैं गाइस आप सभी लोगों को पता होगा अगर टाउन हॉल 13 वाला बंदा गाइस, ठीक है, वो कोई भी बेस पर अटैक करेगा उस तो 2 स्टार 60% तो आराम से मिल जाएंगे गाइस, ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा गाइस। मेरा ये कहना है कि अगर ये फीचर टाउन हॉल 13 के लिए नहीं, टाउन हॉल 11, 12, 9, 10 यानी कि लो टीएच पूछा के लिए रखना चाहिए गाइस, मेरा ये कहना है, ठीक है। अब गाइस मैं आप लोग समझ ही गए होंगे, देखो गाइस टाउन हॉल 13 तो कोई भी बेस पर अटैक करेगा गाइस, ठीक है, उसको तो 2 स्टार 60% मिल जाएंगे, लेकिन टाउन हॉल 11 टाउन हॉल 12 का क्या होगा, उनके रिंग बेस मिल गया तो गाइस, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है गाइस, ठीक है, ये फीचर टाउन हॉल 12, 11, 10, 9 के लिए रहना चाहिए गाइस, ठीक है, जो 9 से पुशिंग करते हैं 10 से करते हैं, या फिर टाउन हॉल 13 के लिए ऐसा रखना चाहिए कि 4 अटैक करने गाइस वो लोग अपने आर्मी को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दूसरे 4 अटैक के अंदर वो सिलेक्ट नहीं कर सकते गाइस, ठीक है, ऐसा हो सकता है। उम्मीद है गाइस तुम लोगों को समझ आ ही गया होगा मैं ये कहना चाहता हूँ, या फिर सिंपल भाषा में कह देता हूँ, ये फीचर टाउन हॉल लो पुशर के लिए होना चाहिए गाइस, ठीक है, टाउन हॉल 13 के लिए नहीं होना चाहिए। उम्मीद है गाइस तुम लोगों को वीडियो तो जरूर पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, उस बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चलो ना गाइस वीडियो को
एंड कर लेते हैं।